हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी गेटवेज। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मेरे चैनल का सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैंने जितने भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं उनमें से मुझे जो कमेंट्स मिलते हैं वो एक ही कमेंट मिलता है कि आप कौन सी हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ कर रहे हैं या फिर कौन सी हीट प्रोटेक्शन स्प्रे हेयर के लिए अच्छा होता है या प्राइसेस क्या है। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक नया पैकेट ख़रीदा है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक रिव्यू वीडियो बना दूँ तो आपको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। सो आज का जो वीडियो है दैट इज़ अ रिव्यू वीडियो ऑफ K10 हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, दिस इज़ द प्रोडक्ट। ये है 200 ml ऑफ प्रोडक्ट। मैं नॉर्मली इसे छोटा पैकेट खरीदती हूँ, विच इज़ दिस वन। ये ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ द 100 ml ऑफ प्रोडक्ट। और इस बार मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है तो मैंने सोचा बड़ा पैकेट खरीद लूँ। सो दिस इज़ द 200 ml ऑफ प्रोडक्ट। और इसका जो प्राइस है, जो MRP है, वो है 699 rupees। लेकिन आपको ये मिल जाएगा 345 to 350 rupees तक ऑफर में आ जाता है। मुझे इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ा, लाइक 395 rupees पे करना पड़ा, क्योंकि एक इशू हो गया था। मैंने एक्चुअली एक कॉम्बो पैक ऑर्डर किया था जिसमें अमेज़ॉन से, जिसमें था ये K10 हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे और एक हेयर स्प्रे K10 का ही। सो दोनों का प्राइस मिला के था 790 rupees मुझे पे करना पड़ा, कैश ऑन डिलीवरी था। लेकिन जब मैंने पैकेट खोला तो मुझे बस एक ही प्रोडक्ट मिला था, विच इज़ दिस वन, और हेयर स्प्रे मुझे नहीं मिला। सो जब रिफ़ंड हुआ तो उन्होंने हाफ़ प्राइस रिफ़ंड किया, तो इसीलिए मुझे इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ा। लेकिन नॉर्मली इसका जो प्राइस है दैट इज़ समथिंग बिटवीन 345 to 350। स्नैपडील में आपको मिल जाएगा, अमेज़ॉन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। तो आप डिफरेंट साइज में प्राइस को कंपेयर कीजिए और जहाँ पर आपको बेस्ट डील मिलता है आप वहाँ से ही इसको परचेस कीजिए। दोस्तों, इसका जो पैकेजिंग है ये काफ़ी हार्ड पैकेजिंग है। एक बहुत हार्ड प्लास्टिक बॉटल दिया गया है और एक स्प्रे कैप है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है, जो इसको बहुत ट्रैवल फ्रेंडली बनाता है, वो ये है, इसकी कैप में एक लॉक लगाई गई है जिसको आप ऐसे करके नीचे कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा और ये स्प्रे होगा। और आप इसको ऐसे करके अगर लॉक कर दें तो ये बिल्कुल लॉक हो जाता है और अब ये बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा, स्प्रे नहीं होगा। सो ये जो सिस्टम है ये 200 ml के पैक में आपको मिलेगा, ये 100 ml के पैक में आपको नहीं मिलेगा। 100 ml में आपको ऐसे एक स्प्रे बॉटल आता है और बस आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। सो आई वुड से दैट दिस पैकेजिंग इज़ मच बेटर दैन 100 ml पैकेजिंग। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स के बारे में। सो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि नो पैराबेन्स, नो सल्फेट्स, नो अल्कोहल एंड नो सिंथेटिक कलर। और इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, जैसे राइस प्रोटीन एक्सट्रैक्ट, फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। सो दीज आर थिंग्स जो हेयर के लिए हमें पता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिसको लेके मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एंड नंबर वन इज़ परफ्यूम। यहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट में परफ्यूम मिलाई गई है। एंड परफ्यूम, जिन लोगों को परफ्यूम से एलर्जी है, आई वुड नॉट सजेस्ट दिस प्रोडक्ट फॉर यू। आई पर्सनली हैव नो इशू विद परफ्यूम, क्योंकि मेरे बहुत से स्किन प्रोडक्ट्स में भी परफ्यूम है और वो प्रोडक्ट्स मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है एंड मेरे स्किन में कोई इरीटेशन नहीं होता। लेकिन जिन लोगों को इरीटेशन होती है, जिन लोगों को एलर्जी है परफ्यूम से, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें बहुत अच्छी खासी अमाउंट में परफ्यूम मिलाई गई है। आप जब स्प्रे करेंगे तो वो आप इनहेल कर सकते हैं परफ्यूम। और मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको इरिटेशन ना भी हो, फिर भी आप इसको अपने स्कैल्प में यूज़ मत कीजिए, बस अपने हेयर तक ही इसको रखिए। बस अपने स्ट्रैंड्स में अच्छे से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये आपके स्कैल्प के साथ कोई भी कांटेक्ट में ना आए। एक और इंग्रेडिएंट है जिसको लेके मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एंड दैट इज़ फिनोक्सिथेनॉल। सो फिनोक्सिथेनॉल इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव एंड एज अ फ्रेग्रेंस इन प्रोडक्ट्स। तो ये जो है ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकता है, आपके आईज़ को इरिटेट कर सकता है। और गलती से अगर आप इसको स्वलो कर ले या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इनहेल करें या फिर आपके स्किन पे ये एब्जॉर्ब हो जाए, तो ये आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है।
दोस्तों, स्कैल्प इरिटेशन कैन बी अ मेन रीज़न फॉर हेयर फॉल, तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके स्कैल्प के कॉन्टैक्ट में ना आए, बस हेयर पे स्प्रे कीजिए। जैसे मैंने आपको परफ्यूम के लिए बोला था, सेम बोलूँगी, थोड़ा सा केयरफुली स्प्रे करें। दोस्तों, मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे को मैंने स्टडी किया है और हर प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ ऐसे इंग्रीडियंट्स है जो आपके स्किन, आपके हेयर के लिए हानिकारक है। सो उनमें से मुझे ये सबसे सेफेस्ट लगा। अगर मुझे और कोई सेफ ऑल्टरनेटिव मिलेगा तो मैं सबसे आगे आपसे शेयर करूंगी। देयर आर सम अदर रीजंस आल्सो कि मैं इसको प्रेफर करती हूँ। फर्स्ट इज़ कि ये सिर्फ एक हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे नहीं है, आप इसको अपने हेयर को सेट करने के लिए एज पोस्ट स्टाइलिंग हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनेस्टली इसका जो होल्डिंग पावर है ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन इट्स बेटर देन नथिंग। एंड सेकेंडली, ये एक एंटी पोल्यूशन हेयर स्प्रे की तरह भी काम करता है, तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा स्प्रे करके आप बाहर जा सकते हैं, सो दैट विल प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम पोल्यूशन। एक और एडवांटेज है जो मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, वो ये है कि मेरे जैसे हेयर का टेक्स्चर है, इट्स वेरी वेरी फ्रिजी, और इसको यूज़ करने के बाद ये मेरी जो फ्रिज है उसको बहुत हद तक टेम कर देता है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जैसे मेरे हेयर टेक्स्चर है बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी है, तो मैं बाहर जाते वक्त इसको थोड़ा सा स्प्रे करके जाती हूँ ताकि मेरे जो फ्रिज है वो कंट्रोल में रहे, एंड इट वर्क्स ग्रेट। तो अगर आपकी फ्रिजी हेयर है तो यू श्योरली मस्ट ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट। दोस्तों, नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है। इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए पहले अपने हेयर को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कीजिए और फिर इस प्रोडक्ट को अपने हेयर पर स्प्रे कीजिए। थोड़ा सा ध्यान से स्प्रे करना ताकि आपके स्कैल्प से टच ना हो। अब स्प्रे करने के बाद एक कोम्ब लीजिए और अपने हेयर को अच्छे से कोम्ब कीजिए ताकि जो आपने प्रोडक्ट अपने हेयर पर स्प्रे किया है वो इवनली आपके हेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कोम्बिंग के बाद अगर आपको लगे कि आपका हेयर थोड़ा सा वेट है तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए ताकि आपका हेयर बिल्कुल ड्राई हो जाए, और ये 2 मिनट में ही ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद आप कोई भी हीटिंग टूल अपने हेयर पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ आई होप आपने नोटिस किया होगा कि इसको यूज़ करते ही इंस्टेंटली मेरी जो थोड़ी बहुत भी फ्रिज था हेयर पे वो भी कैसे एलिमिनेट हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये बहुत अच्छी तरीके से फ्रिज को एलिमिनेट करता है, तो वो भी मैंने आपको लाइव दिखा दिया। तो दैट वॉज इट फॉर टुडे गाइज, आई होप मैंने आपकी सारी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास और कोई क्वेरीज है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं वहाँ पर आंसर्स दे दूँगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दे देना और मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।